हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है वो आपको भी जरूर सीखना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये लीब्रा कैल्क ओपन किया है मैंने। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि सवाल ऐसे पूछा जाता है, अगर आपको दे दिया जाए तो आप आंसर क्या देंगे, ये सवाल उठता है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा 10, ठीक है, और यहाँ पे लिखा +2 इंटू, यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आई होप कि आप 36 कहेंगे, ठीक है, लेकिन यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा 16, ठीक है। क्यों 16 आएगा, क्योंकि हमारा एक्सेल पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर ऐड करेगा। तो यहां पर जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो यहां पे 16 रिजल्ट बनता है, आप देख सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो रूल बोर्ड मास में लागू होता है कुछ उसी तरह का रूल यहां भी लागू होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको हिंदी में सिखाया गया होगा, काकू पहले काटिए ता पीछे दो भार, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाए। तो बस वही नियम यहां पर भी लागू होगा। अब जैसे मान लीजिए यहां पर मैं लिख देता हूं 4 × 2 − 3 / यहां पर लिखा डिवाइडेड बाई अपॉन कर दिया 3, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन में ये जो सवाल है आपके सामने, इसका आंसर क्या आना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं 4 × 2 = 8 हो जाएगा, 8 में से 3 माइनस करते हैं और फिर उसको डिवाइड करते हैं फिर रिजल्ट आता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, पहले डिवाइड होगा, 3/3 क्या होगा, यहाँ माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ 4 × 2 = 8 आ जाएगा और फिर माइनस 1 होगा तो 7 आएगा। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगा लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आंसर आपको 7 मिलेगा। तो ये कुछ इसी तरीके से काम करता है, आई होप की बात समझ में आई होगी।